भिवाड़ी उद्योग इकाई के संगठन भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नाम से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के द्वारा एसोसिएशन के नाम से फर्जी जीएसटी नंबर के आधार पर वह एसोसिएशन के भिवाड़ी स्थित कार्यालय के एड्रेस से फर्जी लेटर पैड छपवाकर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले का पता चलते ही भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान की तरफ से भिवाड़ी स्थित साइबर सेल के इंचार्ज सचिन शर्मा को इसकी शिकायत दी गई है। साइबर सेल को दी गई शिकायत में बताया गया है कि कोई मुकेश शर्मा नाम से एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर 8480210963 है और यह व्यक्ति भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मालिक बनकर व एसोसिएशन के सीईओ के रूप में विजिटिंग कार्ड छपवाकर भिवाड़ी से बाहर स्थित औद्योगिक संगठनों से अवैध रूप से पैसों की वसूली कर रहा है। यही नहीं, भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के भिवाड़ी स्थित कार्यालय के एड्रेस व मोबाइल नंबर के नाम से अवैध रूप से टैक्स चालान बनाकर वसूली कर रहा है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूरे मामले का पता तब चला जब गुजरात के एक व्यापारी का उनके पास फोन आया और उन्होंने बताया कि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नाम से उनसे 20,000 रूपए लिए गए हैं। साथ ही गुजरात के व्यापारी ने उनसे लिए पैसों का स्पष्टीकरण भी मांगा है। इस बात को सुनकर बीएमए के अधिकारी भी सकते में रह गए और मामले को भांपते हुए तुरंत ही आरोपी के द्वारा लेटर पैड पर दिए गए फोन नंबर साइबर सेल को दिए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक इस फर्जी व्यक्ति के द्वारा गुजरात के व्यापारी से 20,000 रूपए ठगने का ही मामला सामने आया है। अभी और इस व्यक्ति ने कितने लोगों को फर्जी तरीके से ठगा है इसका पता तो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ही चल पाएगा। यही नहीं, इस व्यक्ति ने फर्जी जीएसटी नंबरों के आधार पर भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नाम से जयपुर में राजा पार्क में स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया है और जयपुर के इसी बैंक में यह एसोसिएशन के नाम से लिए गए पैसों का भी ट्रांजेक्शन करता है। तो मुकेश शर्मा करके हैं, श्री मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने फेक आईडी जीएसटी की बना के हमारा बीएमए की यूज कर रहा है और पूरा एड्रेस भी बीएमए का यूज कर रहा है और जयपुर से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रेडियो दिवाली कर रहा है, दिवाली का नंबर भी उसका एक्टिव जो भी है मैंने आपको कंप्लेंट में दिया हुआ है और ये कब से कर रही है मैं आपको नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ से गुजरात से एक फोन आया है जिनसे हमारे पूछा कि एसोसिएशन ये काम नहीं करती है, जबकि हमारे साथ कोई काम नहीं है, हमारी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो किस तरीके का आप बोलो? एक्चुअली यहाँ जहाँ तक मालूम पड़ा है कॉपर भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो पैसे वैसे का कुछ ऐसा लेन देन क्या है कुछ अभी हमारी कुछ भी नॉलेज में नहीं है, इसी वजह से हम कंप्लेन करेंगे कि कब से कर रहा है, कितने दिन से कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किस बस यही पता पड़ा कि आदमी से 20,000 रूपये ले चुका है जिसका माल नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने हमारे को फोन किया है बीएमए को साइट पे देख के। अब मैंने मामला दर्ज करा दिया। हाँ, अभी हमारे साथ दर्ज करा दिया।